मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ पीछे बैठे हुए सभी बंधुओं से कि वो आगे आके बैठे, पीछे बैठी हुई माताओं बहनों से भी निवेदन है कि वो आगे आके बैठे। कार्यक्रम में उपस्थित भीलवाड़ा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ महावीर इंटरनेशनल संस्था का, जिन्होंने ये आयोजन किया है और मुझे आपसे भारत देश की आज की सबसे गंभीरतम समस्याओं में से एक, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बात करने का मौका मिला है। मैं इस निवेदन के साथ मेरा व्याख्यान शुरू करता हूँ कि आप भरपूर प्रश्न पूछें, इससे अच्छा ये होगा कि आप यहां से जो कुछ भी लेके जाएंगे वो दूसरों को भी बता सकेंगे। आपके दिमाग में अगर स्पष्टता आ जाएगी तो बहुत लोगों को उसका लाभ मिलेगा। खुशी की बात यह है मेरे लिए कि इस व्याख्यान में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और ये विषय महिलाओं का सबसे प्रिय विषय माना जाता है, नजदीकी है, इसलिए बहुत अच्छा है। मैं आज की हमारी जो चिकित्सा की समस्याएं हैं और स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, इन पर थोड़ा सा जानकारी इस संदर्भ में देना चाहता हूं कि ये उत्पन्न कहां से हुई है। हमारा भारत देश दुनिया में अनोखा ऐसा देश है जहां की चिकित्सा प्रणाली हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाती है, जिसको आप आयुर्वेद कहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है जो स्वस्थ रहना सिखाती हो। ज्यादातर चिकित्सा प्रणालियां जो दुनिया में चल रही हैं, जिनकी संख्या अभी धीरे धीरे 100 के ऊपर पहुंच गई है, एलोपैथी है, बायोकेमिक है, होम्योपैथी है, मैग्नेट थेरेपी है, ऐसी करीब 100 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां दुनिया भर में चल रही हैं, इन सभी के मूल में यह है कि आप पहले बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे। हाँ, इसमें शर्त ही यह है कि आप बीमार पड़ो, बिना बीमार पड़े ये चिकित्सा पद्धति आपको कुछ भी मदद नहीं करेगी। लेकिन भारत की जो चिकित्सा पद्धति है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं वो अनोखी है पूरी दुनिया में, जो ये कहती है कि बीमार ही मत पड़ो, स्वस्थ रहो। और ये स्वस्थ रहने की कल्पना कितनी ऊंची है हमारी चिकित्सा पद्धति में, इसका एक सूत्र है जो हम बार बार कहते रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कोई दुखी ना हो, ऐसी भावना, ऐसी कल्पना किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। आयुर्वेद की यह जो चिकित्सा पद्धति इतनी ऊंची भावना लेकर हजारों वर्षों से इस देश में जो चलकर आई, आखिर उस देश में ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि सब बीमार ही बीमार दिखाई देते? जिस देश की भावना इतनी प्रबल और इतनी ऊंची हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस देश में अब सब बीमार ही बीमार दिखाई देते। थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि भारत में 108 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें स्वस्थ कितने हैं? तो उनका पहले तो एक पत्र आ गया उत्तर के रूप में कि आप पहले ये बताइए स्वस्थ मानेंगे किसको? आयुर्वेद की अगर आप परिभाषा लेंगे स्वस्थ होने की, तो भारत में शायद ही कोई मिलेगा जो स्वस्थ हो। और अगर एलोपैथी की परिभाषा लेंगे तो हो सकता है 20-25 करोड़ लोग स्वस्थ हों, बाकी बीमार हो। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में तो शायद ही कोई हो, ऐसा उनका पत्र आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप ऐसा करिए, दोनों हिसाब से मुझे बताइए। और मैंने उनसे पूछा कि भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी सन 1881 में अंग्रेजों के जमाने में, वहां से आप मुझे बताइए कि सन 1881 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय कितने स्वस्थ थे, और आज 2001 में जो आखिरी जनगणना अभी तक की हुई है उस समय कितने स्वस्थ हैं।
तो सरकार की ओर से कहा गया कि ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है, आपको इसका उत्तर मिलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पुराने आंकड़े निकालना वो समय का काम है। हमने कहा ठीक है चलेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। बहुत दिन के बाद उनका एक और पत्र आ गया कि अभी आप ऐसा करिए कि संसद की पुस्तकालय में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां पर ये सेक्शन है, वहां से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देख के पता कर लीजिए। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकें, क्योंकि हम सब बहुत व्यस्त हैं। मैं चला गया, हमारे एक परिचित मित्र सांसद हैं, उनसे कहा कि मेरा एक पास बनवाइए, मैं लाइब्रेरी जरा देखना चाहता हूँ पार्लियामेंट की। पहले भी मैं बहुत बार गया हूँ, तो वहां की लाइब्रेरी में जाके जब 1881 के रिकॉर्ड्स मैंने निकाले तो उनका देखकर सामान्य समझ जो बनी मेरी कि अगर हम मान लें उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, लेकिन 20 करोड़ की जनसंख्या में अगर हिसाब ऐसा निकाले, 5 आदमी अगर एक परिवार में रहते हो, 5 व्यक्ति एक परिवार में रहते हो, तो उसमें से 4 स्वस्थ थे। ये मैं आयुर्वेद की परिभाषा से बोल रहा हूँ, स्व में स्थित होना स्वस्थ, ये आयुर्वेद कहता। अपने में आप स्थित हो, आपको किसी भी चीज से, किसी भी वातावरण की प्रतिकूलता से आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम ना होता हो तो आप स्वस्थ हैं, मन से भी और तन से भी, दोनों स्तर पर, आत्मा के स्तर पर भी। तो उस समय 20 करोड़ की आबादी हमारे देश की और 5 में से 4 लोग स्वस्थ, इसका मतलब जब हम गुलाम थे तो शायद ज्यादा बेहतर थे। फिर उसके बाद 2001 की जनसंख्या हमारी है लगभग 103 करोड़ 104 करोड़, अब हो गई है 2006 में 108 करोड़। तो अब हमारे यहां स्थिति यह है कि 5 में से 4 बीमार, और अगर थोड़ा और आगे चलूं तो 4.5 बीमार, आधा जो है थोड़े स्वस्थ है। आधे से मतलब जैसे शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं तो उसमें से कुछ कम है जिनको उनको आधा मान लें, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। मात्र 150 वर्ष में या 150 से भी कुछ कम वर्ष में ऐसा कैसा हो गया इस देश में? 5 में से 4 स्वस्थ थे 1881 में, अब 5 में से 4 बीमार हैं 2006 में। इतना उल्टा हो गया इस देश में। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले, मान लीजिए 1881 के तो आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने सर्वेक्षण कराया था, हम 1881 के पीछे चलें, हो सकता है 1781 की बात करें या 1681 की बात करें, तो हो सकता है कि लगभग सभी स्वस्थ हों। तो हम भारत में पीछे की तरफ जब चलते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा स्वस्थ लोग थे, और ज्यादा पीछे चले तो हमें बताया ये जाता है और ये सामान्य रूप से समझ में भी आता है कि अगर 500-700 साल पहले की भारत में कल्पना करें तो बीमारी ही नहीं, बहुत कम बीमारी, कभी साल में एक आध बार कोई बीमार पड़ जाए तो पड़ जाए। और थोड़ा पीछे चले, चरक ऋषि की बात सुने, सुश्रुत ऋषि की बात सुने, और हमारे देश के जो चिकित्सा शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ रहे उनकी कही हुई सुने, तो वो तो कहते हैं कि बीमारी क्या होती है ये सोचना पड़ेगा। और उस जमाने में स्वस्थ लोग इतने कि आराम से 100 साल 150 साल 200 साल तक जिंदा रहे। तो ये दिखाई ये देता है कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ा समय के सापेक्ष तो बीमार ज्यादा होता गया। ये बीमारियां आई कहां से, बाहर से आई क्या? तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत थोड़ी होती है, जिनको हम वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ज्यादा बीमारियां बाहर से नहीं आती। कभी कभी कोई आ गई, जैसे आजकल एक बीमारी आ गई है चिकनगुनिया, जो सालों साल में हमें सुनाई दे रही है। हो सकता है आपने 10 साल तक पिछले लगातार सुना ही नहीं हो कि चिकनगुनिया क्या था, 20 साल तक भी नहीं सुना हो। और ऐसी नहीं है कि यह बीमारी सबको मार के चली जाएगी, थोड़े दिन में ये चली जाएगी, हो सकता है 2-5 दिन के बाद भीलवाड़ा वाले भूल जाएंगे कि चिकनगुनिया भी कोई आया। तो बाहर से कोई बीमारी आती है ज्यादा टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारा वातावरण और प्रकृति ऐसी है कि कोई बीमारी भारत में टिक नहीं सकती। सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश भगवान इसी देश को देता है, और सूर्य प्रकाश दुनिया में ऐसी अद्भुत वो है ताकत जो हर बीमारी के कीटाणु को या जीवाणु को खत्म करके ही दम लेती है।
जिन देशों में सूर्य प्रकाश कम होता है वहां बीमारियां ज्यादा समय तक टिकती हैं या कभी कभी तो परमानेंट हो जाती है। भारत में कोई भी बाहर से आई हुई बीमारी टिक नहीं पाती, कितना भी खराब वायरस यहाँ आ जाए, कितना भी खराब बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी मच्छर बाहर से उड़ता हुआ आ जाए, ये चिकनगुनिया एक मच्छर से ही फैलने वाली बीमारी है जो मानते हैं कि अफ्रीका की तरफ से आया है, लेकिन वो कितना भी ताकतवर हो 15-20 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता। तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत ही कम है, मुश्किल से 8-10%। इसका माने 90% बीमारियां तो हमारे अपने अंदर से हैं, और अपने अंदर से बीमारी 90% ऐसे देश में हो जाए जहां सर्वे भवंतु सुखने की कल्पना रही हो, तो इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि भाई क्या हुआ हमको ऐसा पिछले 200 साल में जो हम इतने बीमार पड़ने लगे। मैंने इस विषय पर थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा सोचा, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि पिछले 200-250 वर्षों में हमने भारत की चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद का अपने जीवन में पालन कम कर दिया। सर्वे भवंतु सुखने की कल्पना जिस आयुर्वेद से आई है, उसी आयुर्वेद ने हमको बताया है कि आप सुखी कैसे रहें, और सुखी रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी होता है, ये भारत की सर्वमान्य परिभाषा है और हजारों साल से चली आ रही है। हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हुए सबने एक बात कही कि सुखी वही है जो स्वस्थ है। आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं है, क्योंकि पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं खरीदा जा सकता। आप करोड़पति हो या रोड़पति, स्वस्थ है तो सुखी है, अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई सुख आपको नहीं है। हजारों करोड़ के एम्पायरों के मालिक लोगों से मैं कई बार मिला हूं, और मैंने उनको दिन में 20-20 गोलियां खाते देखा है, 25-25 गोलियां खाते देखा है। गोलियां वो ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी खाते हैं। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि सब्जियों की जगह पर गोलियां ही गोलियां खाते रहते हैं। 4 गोली सुबह खा लिया, 4 दोपहर को, 2 कैप्सूल के साथ, 4 रात को, फिर अगले 1 हफ्ते में और 2-4 इंजेक्शन फुकवा लिए। ये स्थिति उनकी है, करोड़ों करोड़ों रुपए का उनका साम्राज्य है, फिर भी कहीं किसी स्तर पर स्वस्थ नहीं। तो स्वस्थ होने के लिए हमारे यहां तो बहुत पहले से ये मान लिया गया कि आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, और जिस देश में स्वस्थ होने के लिए शास्त्र लिखा गया हो वहां लोग इतने बीमार पड़े, तो ये समझने की बात है कि हमसे कोई गलती हो रही है, क्या चूक हो रही है, क्योंकि शास्त्र तो हमारा कहता है कि आपको सुखी ही होना चाहिए, आनंद में ही रहना चाहिए, स्वस्थ ही रहना चाहिए, लेकिन हम अगर बीमार हैं तो कहीं कोई बड़ी गलती है। वो गलती क्या है? वो गलती समझने के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज पढ़ता रहा, तो मुझे समझ में आया कि हमसे एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी जो आबोहवा है, जो जलवायु है, जो प्रकृति है, जो तासीर है, वो एक भिन्न तरह की है, और हम अपनी जीवन शैली जो बिता रहे हैं या चला रहे हैं वो हमारी आबोहवा, तासीर और प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। हमको पिछले 4-500 वर्षों से हमको एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी ये लग गई है कि यूरोप और अमेरिका की नकल करना, विदेशों की नकल करना, और जब से भारतवासियों ने विदेश जाना शुरू किया है तब से ये बीमारी और बढ़ी है। यहां से लोग पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाते हैं, धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं, नौकरी पेशा करने के लिए विदेश जाते हैं, और वहां से लौट के आते हैं तो सब दिमाग में खुराफाते लेके आते हैं, और वो उल्टा उल्टा सबको सिखाते हैं और बताते हैं। हमारे मन पर उसका कुछ असर ज्यादा होता है क्योंकि वो फॉरेन रिटर्न, हाँ, हम उनको ज्यादा विद्वान मानते हैं जो विदेश पलट होते हैं, बाहर से लौट के आए हैं तो कुछ ज्यादा विद्वता लेके आए हैं, लेकिन वो मूर्खों के मूर्ख सिद्ध होते हैं जब हम हमारी जीवन शैली, आबोहवा और तासीर के हिसाब से उनका विश्लेषण करें। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर हो गया है यूरोप और अमेरिका का, और इतना हो गया है कि सवेरे से शाम तक के जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें खा पी रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति को बिल्कुल मेल नहीं खाती है, हमारी तासीर के उल्टी है, हमारी आबोहवा के विपरीत है।
हमारी आबो हवा क्या है और यूरोप और अमेरिका की आबो हवा क्या है, उनकी तासीर क्या है, हमारी तासीर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, जरा इसको दो मिनट समझें। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है एक बात के लिए कि भारत में सभी तरह की जलवायु है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया में आज तक कुल 16 जलवायु तय की गई है या खोजी गई है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, गर्मी और सर्दी के बीच का एक मौसम है, सर्दी और बरसात और सर्दी के बीच का एक मौसम है, इस तरह की 16 तरह के मौसम या 16 तरह की जलवायु आज तक पूरी दुनिया में खोजी गई है। और ये बड़ी गर्व की बात है कि भारत में ये सब की सब एक साथ उपलब्ध है। आप चाहें तो दुनिया की सभी जलवायु इस देश में आपको मिलेगी देखने को, कैसी जलवायु आप चाहें देखना। आप अगर कल्पना करें कि हमको अफ्रीका की जलवायु देखनी है तो ज्यादा दूर मत जाइए, यही राजस्थान के जैसलमेर जिले में चले जाइए, अफ्रीका के सारे रेगिस्तानी इलाके की जलवायु आपको जैसलमेर और उसके आसपास दिखाई दे जाए। फिर आप कहेंगे जी हमको तो दक्षिणी अमरीका वाली, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया की जलवायु देखनी है तो भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक में कुछ एक इलाका है जिसको पहाड़ी इलाका कहते हैं, कुर्ग के आसपास का, वहां चले जाइए तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका की जलवायु आपको वहां मिल जाएगी। फिर आपको ऐसा लगता हो कि दुनिया के बहुत अधिक समुद्र से घिरे हुए देशों की जलवायु भारत में देखनी है तो बहुत दूर मत जाइए, 2500 किलोमीटर पर केरल है, केरल को देख लीजिए तो समुद्र के आसपास की जलवायु दिखाई दे रही है। फिर आपको अगर ऐसी जलवायु देखनी हो डेनमार्क की, स्वीडन की, जहां बर्फ जमी रहती है सड़कों पर, तो ज्यादा दूर मत जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए, आपको वो वहां दिखाई दे जाए। फिर आपको ऐसी जलवायु देखनी है जो एकदम सूखी, जहां की हवा में थोड़ी भी नमी ना हो, ऐसी जलवायु देखनी हो तो बहुत दूर मत जाइए, यहां चुरू में चले जाइए, राजस्थान में चुरू और सीकर में, तो आपको सूखी जलवायु दिखाई देगी जहां की हवा में शायद ही नमी होती हो, कभी कभी आ जाए नमी तो बड़ी बात मानी जाती है। आपको अगर कीचड़ प्रधान जलवायु देखनी हो, जहां जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है ना, वहां बहुत कीचड़ है, तो ऐसी कोई जलवायु आपको देखनी हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, भारत के हर शहर में उपलब्ध है। हाँ, जरूरत नहीं कहीं दूर जाने की, क्योंकि नालियों की सफाई ही नहीं होती है तो वो हर जगह उपलब्ध है। आपको जो देखना हो यहां सब है भारत। और बहुत दिन से भारत के बारे में मैं ये सोचता रहा कि ये चक्कर क्या है, दुनिया में 16 तरह के क्लाइमेट जोन माने जाते हैं और सबके सब भारत में है, तो शायद भगवान की कोई कृपा है। दुनिया के जो दूसरे बड़े देश जिनको हम अमेरिका कहें, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, किसी भी देश में 2 से ज्यादा क्लाइमेट जोन नहीं है। 23 देश हैं यूरोप के जो बहुत नजदीक नजदीक बसे हुए हैं, वहां तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक ठंड है और एक भयंकर ठंड है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। अफ्रीका में चले जाइए तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक गर्मी है और एक भयंकर गर्मी है। अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं, ब्राजील और मैक्सिको में, तो वहां 2 ही मौसम है, एक बरसात है और एक भयंकर बरसात है। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जहां 8 महीने पानी बरसता ही रहता है, भारत में भी गोवा में चले जाइए 8 महीने पानी बरसता रहता है। तो हर देश के बारे में जब ये कहा जाता है भौगोलिक स्तर पर कि ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, भारत के बारे में ये कहा जाता है कि सब क्लाइमेट जोन इस देश में है, इसलिए भारत के क्लाइमेट जोन को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है, समशीतोष्ण। यहां सब कुछ सम है, विषम कुछ भी नहीं है, असम कुछ भी नहीं है, सब सम है, बराबर है। गर्मी आएगी तो बराबर आएगी, बरसात आएगी तो बराबर आएगी, सर्दी आएगी तो बराबर आएगी, वसंत ऋतु आएगी तो बराबर आएगी, शिशिर ऋतु आएगी तो बराबर आएगी, यहां जो भी कुछ है वो बराबर है। तो बराबर है इसलिए दुनिया के भूगोल शास्त्रियों के बीच में या
मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वालों के बीच में भारत सबसे ऊंचा देश माना जाता है कि ये देश कुछ अद्भुत है। ये जो अद्भुत है हमारा देश, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे हुआ है कि भगवान ने या प्रकृति ने हमको ये सब तरह की जलवायु दी है और बराबर मात्रा में दी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां सबसे पहले सूर्य निकलता है और सबसे अंत में सूर्य छिपता, अर्थात इस देश को सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। अगर आप साल के 365 दिनों को गिनें, तो शायद ही 3-4 दिन ऐसे जाएंगे इस देश में जब आपको सूर्य दिखाई ना दे, वरना हर दिन आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, भरपूर मिलेगा। दूसरे देशों की तरफ चलें, अमेरिका और यूरोप और उसके आसपास के देश, तो वो बहुत गरीब है इस मामले में कि उनको साल में मुश्किल से 15-20 दिन या बहुत अधिक तो एक महीना सूर्य का प्रकाश मिलता है, बाकी तो सूर्य निकलता ही नहीं, निकलता है तो प्रकाश नहीं मिलता है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां का तापमान न्यूनतम 40 डिग्री ऋणात्मक होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिन देशों में शून्य के नीचे 40 डिग्री तापमान चला जाए, आपको कल्पना है जब चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है, हर साल आता है, तो कैसी कड़कड़ाती ठंड पड़ती है पूरे राजस्थान और भारत में। अब जरा कल्पना करो कि इससे भी 40 गुना नीचे तापमान चला जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। यूरोप के करोड़ों लोगों को हर साल ये झेलना पड़ता है, 40 डिग्री ऋणात्मक जब तापमान हो जाता है तो बर्फ ही बर्फ रहती है और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे यहां बारिश गिरती है, कभी कभी रिमझिम फुहार वाली जैसे बारिश गिरती है ना, वैसे हमेशा बर्फ गिरती रहती है 24 घंटे 48 घंटे 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार बर्फ गिरती रहती है। गिरते गिरते सड़क पर बर्फ जमा हो जाती है 5 फीट 6 फीट कभी कभी 10 फीट 12 फीट, मारे घर की जो ऊंचाई है ना पहले मंजिल की, उतनी बर्फ जमा हो जाती है कई बार सड़कों पर। अब यूरोप में समस्या ये है बर्फ की, तो वहां समाधान क्या निकालते हैं लोग इसका, सभी घर जो यूरोप में होते हैं उनमें 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सड़क पर खुलता है गली में और एक छत पर खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल होता है जब सड़क पर बर्फ जम जाती है, क्योंकि आप निकलेंगे कैसे दरवाजे से, बर्फ जमी हुई है, थप्पी की थप्पी लगी हुई है, आपकी कार आपकी मोटर कार बस सब बर्फ के नीचे दबी रहती है। और महीनों महीनों यूरोप की सरकारें एक ही अभियान पे लगी रहती है कि बुलडोजर लेकर बर्फ को तोड़ते रहना। वहां की जो नगर पालिकाएं हैं ना यूरोप की, उनका सबसे बड़ा काम है बर्फ को सड़क से हटाना, सबसे बड़ा काम। और ये इतना बड़ा काम है कि उनके जो बजट होते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हर साल बर्फ को हटाने में ही खर्च होता है। तो ऐसे देश हैं यूरोप और अमेरिका के आसपास के जहां बर्फ ही बर्फ है, ठंडा ही ठंडा है, और एक दो दिन नहीं, एक महीने 2 महीने 3 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने लगातार, 9 महीने के बाद कभी थोड़ा सूर्य प्रकाश निकलना शुरू होता है, बर्फ थोड़ी बहुत पिघलती है, पिघल के वो पानी बनती है, उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं, फिर अगले साल इंतजार करते हैं बर्फ गिरेगी फिर पानी मिलेगा, अर्थात उन देशों में बारिश का पानी नहीं आता। आप पूछेंगे क्यों नहीं आता जी, इसलिए नहीं आता कि बारिश का पानी प्रकृति के एक चक्र से शुरू होता है। आप जानते हैं वो प्रकृति का चक्र क्या है, वो चक्र ये है कि जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ेगा। दुनिया में आप जानते हैं 3/4 पानी समुद्र का ही है या 3/4 क्षेत्र समुद्र से ढका हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश भरपूर ताकत से जब गिरेगा तो पानी वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, ये उड़कर ऊपर इकट्ठा होगा, फिर ऊपर उठते 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 इसका कंडेंसेशन संघनन होगा, संघनन होके ये बादल में बदलेगा, और फिर बादल के आसपास का क्षेत्र अगर कम दबाव का हो जाए तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरेगा। ये है प्रकृति का चक्र। अब इस प्रकृति के चक्र में हम समझें कि मुख्य भूमिका किसकी है, सूर्य की। समुद्र तो हमारे पास भी है, अमेरिका के पास भी है,
समुद्र तो हमारे पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, समुद्र तो हमारे पास भी है, दुनिया के अरब देशों के पास भी, बहुत सारे देशों में समुद्र है, लेकिन प्रकृति का ये जो चक्र पूरा होना है सूर्य के प्रकाश की मदद से, वो उन देशों में नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं है 9 महीने तक, तो इसलिए बारिश नहीं होती है। बारिश बिल्कुल अनिश्चित होती है, कभी कभी इन देशों में बारिश होती है, वो भी बर्फ के आधार पर होती है या बर्फ के कारण होती है। हमारे यहां जो बादल के कारण बारिश होती है वो यूरोप में नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब बर्फ बहुत बार आसमान के आसपास के इलाके में, जैसे फागे गिरते हैं ना भूमि के, ऐसे बर्फ जब गिरती है कई बार गिरने से रुक जाए या कहीं ठहर जाए तो वो बारिश के रूप में भी बरस सकती है अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए तो उनके यहां कभी कभी ऐसा होता है। अब जरा सोचें कि वहां सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, सालों साल नहीं है, तो कभी कभी वहां जब सूर्य निकल आता है ना तो वो सब पागल हो जाते हैं, और ऐसे पागल हो जाते हैं कि शरीर के सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर लेट जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मिले। इसलिए वो सब समुद्र का किनारा ढूंढते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू होती है, बालू सबसे जल्दी गर्म होने वाली चीज है, तो सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश निकलेगा तो बालू गिरेगी, वो गर्म होगी, तो ये सारे विदेशी लोग जहां सूर्य मिलता नहीं है वो एकदम नंगे होकर बालू पर लेटे रहते हैं ताकि बालू से निकलने वाली या रिफ्लेक्ट होने वाली जो हीट है वो भी मिले और ऊपर से भी मिले। वो दिन उनके लिए संडे होता है, सूर्य का दिन, और वही दिन उनके यहां गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग माने अच्छी सुबह, अच्छी सुबह माने सूर्य दिखाई दे गया, इसलिए वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। हमारे भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, रोज सूर्य का प्रकाश मिलता है, हम जानते हैं कि हजारों साल से मिल रहा है, अगले हजारों साल तक मिलेगा, लेकिन फिर हम उनकी नकल करके गुड मॉर्निंग करने लगे। ऐसे यूरोप के लोग गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट तब होती है जिस रात को बर्फ ना पड़े, वो गुड नाइट होती है, तो एक दूसरे को वो विश करते हैं कि आज की रात अच्छी हो, माने बर्फ ना पड़े। हमारे यहां तो एवरी नाइट इज गुड नाइट, गुड आफ्टरनून उनके यहां तब होता है जब धूल भरी हवा ना चले, धूल भरी तो कम कहो, बर्फ भरी हवा ना चले तो गुड आफ्टरनून होता है। भारत में एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून, तो बिना सोचे समझे हमने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून करना शुरू किया है, ये मूर्खता की निशानी। अब उनके यहां तो सूर्य नहीं है, तो सूर्य नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो मैंने आपसे कहा कि 350 से ज्यादा कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारने की ताकत अकेले सूर्य में है। तो उन इलाकों में जहां सूर्य है नहीं, वहां सभी तरह के जीवाणु और सभी तरह के कीटाणु पनपते हैं, तो उन देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इंफेक्शन और बैक्टीरियल इंफेक्शन की ही होती है। अब उनके यहां जो बीमारियां हैं वो सूर्य के नहीं होने से हैं, तो उन बीमारियों का इलाज एक खास तरीके से किया जाता है। अब भारत में क्या है, भारत में तो सूर्य की इतनी प्रचुरता है, फिर यहां कोई बीमारी आएगी तो इसका इलाज किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा, अगर हम उनकी नकल करके इलाज करने लगेंगे तो अपना ही नाश करेंगे, क्योंकि यहां जो डिसीज है, बीमारियां हैं, वो वायरल और बैक्टीरियल इतनी नहीं है, वो दूसरे किस्म की है। उनके यहां जो बीमारियां हैं वो वायरल और बैक्टीरियल किस्म की ज्यादा। अब ये जो वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, अगर इनको कंट्रोल ना करो तो ये बिल्कुल संक्रामक बीमारी की तरह से फैलती है। एक वायरस है, पैदा हो गया, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो पूरे इलाके में फैलेगा और सबको चपेट में लेगा। एक बैक्टीरिया है जो पैदा हुआ, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो पूरे इलाके को चपेट में लेगा। तो वहां की मजबूरी क्या है कि जैसे ही कोई बीमारी फैलती है तो सरकार सभी को मास वैक्सीनेशन शुरू करा देती है। मास वैक्सीनेशन माने सबको टीके लगाओ, किसी को मत छोड़ो। तो इसलिए यूरोप में क्या होता है, कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आई
तो सबको टीके लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक वायरस और एक बैक्टीरिया जो मर सकता है सूर्य की तेज रोशनी में है ही नहीं वहां पर, तो वो तो फैलने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दवा देके ही उसको रोक पाएंगे। अब हम उनकी नकल करके भारत में भी यही शुरू कर देते हैं, मास वैक्सीनेशन, सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगा पा रहे हो या ना हो, सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ हो या ना हो, सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो, ये उनकी नकल करके हमने अपने देश में जो शुरू किया है, ये अपना ही सर्वनाश करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तो फालतू खर्चा हम करते रहते हैं, दूसरा हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को क्षमता दे रखी है बीमारी से लड़ने की, और जो वैक्सीन या दवा हम लेते हैं वो हमारी उसी क्षमता को प्रभावित करती रहती है। तो अंतिम दुष्परिणाम ये होता है कि आपने जिन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाए, थोड़े दिन के बाद ये बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने लगती हैं हमारे, फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो अंत में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारी आंखों के सामने तिल तिल करके लोग मरते हैं, हम असहाय होकर देखते रहते हैं। गलती कहां होती है, यूरोप और अमेरिका में मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, एक छोटा भी कीटाणु या जीवाणु उनके आप तबाह कर सकता है सबके स्वास्थ्य को, भारत में ऐसा नहीं है, इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है कि कोई जीवाणु कीटाणु दो दिन भी जिंदा रह जाए तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन हमने नकल करना शुरू किया है और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए हैं। और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं, एक बार पिलानी थी, दो बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है, भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा। और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। मैं स्वयं भी चिकित्सा का कार्य करता हूं लेकिन सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। मेरे पास हर साल में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनकी मां शिकायत करती है, और राजीव भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है, तो उसको मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आता उनको, शायद उसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया, हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया। कारण क्या है, हमको बचाने वाला सूर्य है, हर दिन है, और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देगा, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे बिना विचारे बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि यूरोप में भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड है तो प्रकृति ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कारण क्या है, आप जरा थोड़ी देर ऐसी कल्पना करो कि बर्फ की मोटी मोटी परत खेत में 6-6 महीने है, 8-8 महीने खेत में बर्फ जमी हुई है, अब इसमें कुछ उगेगा, कुछ पैदा होगा खेत में, हम कितना भी बीज डालें खेत में से घास का तिनका नहीं उगने वाला, क्योंकि घास का तिनका भी उगने के लिए सूर्य की धूप लगती है, सूर्य का प्रकाश लगता है। आपके पास कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा खेत हो और कितनी भी अच्छी खाद हो, जो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से अंकुरण भी नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका के इलाके में खेत की मिट्टी में से कुछ पैदा नहीं होता, लेके उनके यहां 2-3 फसलें होती हैं, वो भी तब जब गर्मी आ जाती है,
गर्मी तो बहुत आती नहीं है उनके यहाँ, लेकिन सूर्य थोड़ा दिखाई देता है साल में 2-3 महीने, उन्हीं दिनों में कुछ उनके यहाँ होता है। एक तो गेहूं हो जाता है कुछ देशों, दूसरी हो जाती है मक्की, मक्का भुट्टा, और तीसरा कुछ देशों में हो जाती है कपास, चौथी कोई चीज उनके यहां ज्यादा होती नहीं, ज्यादा चीजों को वो बाहर से मंगाते हैं। अब उनके पास एक ही चीज है गेहूं, तो क्या खाएंगे? कोई गेहूं खाएंगे, बाजरी तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ये गेहूं कुछ ही देशों में होता है, सब जगह नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। भारत में 6,32,000 गांव हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ गांव के हिस्से दो कर दिए हैं, तो अब उनकी संख्या 8,32,000 के आसपास है। भारत के 8,32,000 गांव में कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में गेहूं हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए किसी भी गांव में मक्की आ जाएगी, कहीं भी चले जाइए बाजरा हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए धान हो जाएगा। राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर जहां बहुत सूखा है, बाकी बहुत सारी जगह धान हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सब तरह की दालें हो जाएंगी, सरसों हो जाएगी, तिल हो जाएगा, माने जो कुछ हमें जीवन में चाहिए वो सब हिंदुस्तान के लगभग सभी गांव में हो जाएगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप की तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि गेहूं कुछ इलाके में होगा, मक्की कुछ दूसरे इलाके में होगी, कपास किसी तीसरे इलाके में होगी, सब्जियां होने की कल्पना उनके देश में हो नहीं पाती, क्योंकि सब्जियों को होने के लिए सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगता है, और ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता तो सब्जियां हो नहीं पाती, थोड़ी बहुत दाल वाल हो जाती है। जो धान्य में पतली बाल निकलती है ना, पतली, जिसका स्टेम बहुत पतला है तना, वो तो वहां हो जाएगा, ले देके थोड़ा भी मोटा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा चाहिए। तो उनके यहां सब चीज सब जगह नहीं होती, कुछ ही चीजें कुछ जगह होती हैं, तो इन चीजों को ही खाना उनकी मजबूरी है। अब उनके यहां गेहूं है, तो गेहूं है तो गेहूं को ही वो खाएंगे, उसके अलावा तो कोई कल्पना नहीं आएगी, और गेहूं को खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ठंडी के कारण ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एक कल्पना बताऊं, आप तो तुरंत समझ जाएंगे। आपने गेहूं का आटा गूंदना शुरू किया, कल्पना करिए अचानक से तापमान 0 के नीचे चला गया, तो आटा ही नहीं गूंद पाएंगे आप, आपकी जो उंगलियां है ना एकदम जाम हो जाएंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। और 0 के नीचे 5 डिग्री गया, 10 डिग्री गया, तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ का। और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा, वो पानी ही बर्फ हो जाएगा, आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे, तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता, रोटी नहीं बना पाते। गेहूं है, गेहूं का आटा है, लेकिन रोटी बनाना नहीं है उनके यहां, जानता भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति मजबूर करती है उनको कि तुम बना ही नहीं सकते रोटी। रोटी तो उन्हीं देशों में बन सकती है जहां तापमान समशीतोष्ण होता है, उंगलियां भी काम करती रहे, हाथ की कलाइयां भी काम करती रहे, आटा और पानी का बैलेंस बना रहे, तो रोटी बनने का काम शुरू हो सकता है। उनके यहां तो संभव नहीं है, तो वो करते क्या है, आटे को सड़ाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड करते हैं, और सड़े हुए आटे में से सिर्फ पाव रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती। सड़े हुए आटे में से डबल रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती, चपाती नहीं बन सकती। तो वो बेचारे मजबूर हैं कि आटे को सड़ाएं, और सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाएं, उन टैंकों का टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर की दुनिया से उन टैंकों को काट के रखें, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो वहां क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां गेहूं भेजा जाता है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है, टैंकों में भर के रखा जाता है, और वो आटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन सड़ता रहता है, आंखों से खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं छोटे छोटे, कई बार जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं, फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है, फिर उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी, जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं,
पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर मूली ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो, और उन्हीं को कुछ कुछ नाम है दे दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन है, वो सब पाव रोटी ही। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं, आपके तो बस की बात नहीं। हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब आसानी से पच नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से कि देखो भाई खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहने, आप तो जल्दी समझ जाएगी, रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी, या उनके पेट में पैदा होने वाले जूसेस कैसे होंगे? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते। तो उनके यहां क्या करना पड़ता है कि जूसेस पैदा होने में सूर्य के प्रकाश की जो मदद चाहिए वो तो मिलती नहीं है, क्योंकि हीट चाहिए, हीट तो मिलती नहीं है। तो खाने के पहले थोड़ी शराब पिएंगे, खाने के बाद थोड़ी शराब पिएंगे, ताकि थोड़ी हीट तो आए, थोड़े जूसेस तो बने, क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बिना गर्मी के बन ही नहीं सकता। हमारे यहां तो शरीर गर्म है क्योंकि वातावरण गर्म है, उनके यहां तो बर्फ पड़ रही है तो शरीर भी ठंडा है, जैसी बर्फ ठंडी है वैसे शरीर उनका ठंडा है, अब पेट में एक्सीएल का निर्माण नहीं हो रहा है। तो वो बेचारे कहेंगे कि भैया थोड़ी ब्रांडी पी लो पहले खाने के पहले, थोड़ी बियर पी लो, थोड़ी कॉन्याक पी लो। कॉन्याक एक तरह की शराब का नाम है जो यूरोप में सबसे ज्यादा पी जाती है, क्योंकि यही एक शराब है जिसको पीने के बाद थोड़ा जूस बनेगा, तो आपने जो सड़े मैदे की पाव रोटी खाई है वो थोड़ी बहुत पचेगी, और अगर आप ये नहीं पी पाए तो पचना सवाल ही नहीं। तो अब वहां रहने वाले हर आदमी को बियर पीना जरूरी, शराब पीना जरूरी, कॉन्याक पीना जरूरी। अब हम बिना सोचे समझे उनकी नकल करके खुद बियर पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, कॉन्याक पीना शुरू कर दें, तो हमारा तो सर्वनाश। क्योंकि यहां तो वैसे ही पेट में गर्मी बहुत है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत है, ऊपर से बियर पी के और गर्म करोगे तो मर नहीं है यहां। तो बिना सोचे समझे, बिना अकल के अगर हम उनकी नकल करें तो बीमारी ही बीमारी। अब तीसरी किस्सा बताता हूं कि चूंकि वहां ठंड बहुत है तो सब्जी नहीं बन सकती, सब्जी पकेगी कैसे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, उबाल का तो बिंदु चाहिए, दाल को पकाना हो तो दाल नहीं पकेगी, सब्जी बनानी हो तो सब्जी नहीं पकेगी। तो वहां क्या होता है, सभी सब्जियां डिब्बे में बंद होके आती है, और डिब्बे बंद सब्जियों को प्लेट में निकाल के वो खाते। अब डिब्बा बंद सब्जी की विशेषता यह है कि उसमें नमक मिला के नहीं डाल सकते डिब्बे में, नहीं तो खराब हो जाती, तो नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है। तो यूरोप के सभी देशों में पिसा हुआ नमक खाने की ही परंपरा है, क्योंकि नमक को सब्जी प्लेट में रखने के बाद ही मिलाना पड़ता है। भारत में अब यही नकल हमने करना शुरू कर दिया, पिसा हुआ नमक हम सबके घर में आ गया, जो आज से 50 साल पहले किसी घर में नहीं होता था। हमारे यहां क्या है, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य उपलब्ध है। तो हम जब नमक डालेंगे तो सब्जी बनाते हुए डालेंगे या दाल बनाते हुए डालेंगे, और दाल और सब्जी में नमक वही अच्छा होता है जो डेले वाला होता है, क्रिस्टल वाला होता है, वो डाल के अगर आप सब्जी बनाएंगे तो तासीर है दूसरी, और ये जो पिसा हुआ नमक डालेंगे तो बिल्कुल तासीर बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें जैसे ही बदलना शुरू करती हैं तो फिर बीमारियां आपके शरीर में घर करना शुरू करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं,
जो पिसा हुआ नमक खाना आप शुरू कर दीजिए, अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। दो बच्चे अगर आपके पास हैं, एक को रोज पिसा हुआ नमक खिलाइए और एक बच्चे को डेले वाला नमक सब्जी में डालते हुए उबालते हुए खिलाइए। जो बच्चा डेले वाला नमक खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जिसको पिसा हुआ नमक दे रहे हैं वो हर समय बीमार रहेगा। कारण क्या है आप पूछेंगे जी, कारण क्या है? सब्जी को उबालते समय, दाल को उबालते समय जो नमक आपने डाला है तो नमक भी उबल रहा है सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें से शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वो गर्म पानी के साथ कम होती जा रही है। और यहां पिसा हुआ नमक डाल दिया है तो सारी अशुद्धता के साथ गया है और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाला है। और ये तकलीफ जानते हैं क्या आती है? आजकल ज्यादातर माताओं बहनों से मैं एक ही शिकायत सुनता हूँ, ओ राजीव भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई। ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे। और थायराइड के दोनों ही हिस्से हैं, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी हैं। उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक। जितने दिन आप ये खाते रहेंगे थायराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, कितनी भी गोलियां खाएं, कितने भी इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जैसे ही नमक बदल देंगे, बिना दवा के थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए थायराइड के, ज्यादातर माताएं आती हैं क्योंकि उनको थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है सेंसिटिविटी के कारण। तो वो आती है शिकायत लेके, क्या बताएं इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर मैं ये गोली खाती हूं तो शरीर और बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और एक महिला तो एक बार मेरे पास आई थी जिनका वजन तो मुश्किल से 60 किलो था लेकिन शरीर देखो तो लगे 100 किलो का, जैसे फुटबॉल में हवा भर दी हो। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी समस्या क्या है, उनके समझ में आ गया। मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो, नमक बदल दो, पिसा हुआ नमक खत्म कर दो, डेले वाला लाओ। वो बहन जी ने शुरू किया है, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो बराबर हो गए, 58 किलो वजन है, वैसा ही शरीर है। और वो कहती है अब मुझे थायराइड की समस्या नहीं। अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 8 साल से मैं दवा खा रही हूं, इतने इंजेक्शन ले लिए, कहां कहां मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप ये नमक पिसा हुआ मत खाओ। मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे कारण दूसरा है। कारण ये है कि अगर आप ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर का धंधा कैसे चले, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो, वो नहीं बताएगा, जानता वो भी है, जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्टर भी जानता, बताएगा नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे अपने जीवन में बिना सोचे समझे किए गए नकल के काम हमको इतनी बड़ी समस्याओं में फंसा देते हैं। एक तीसरा उदाहरण देता हूं, जहां लोगों को ठंड बहुत है और रहना पड़ता है वहां के लोगों की हड्डियां और शरीर थोड़ा कड़क होता है, उसमें लचीलापन कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप थोड़े दिन एक प्रयोग करके देख लो, आप बैठो उसके चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां रख लो, एक इधर एक इधर एक इधर, और बीच में बैठ जाओ तो पीठ ऐसी अकड़ जाएगी कि उठना भी मुश्किल हो जाएगा, घुटने इतने अकड़ जाएंगे कि उठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, और गलती से आप खड़े हो गए तो बैठना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आप जरा सोचो कि 4 बर्फ की सिल्ली जो मुश्किल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है, हम 10 मिनट अपने चारों तरफ रख ले तो शरीर अकड़ जाता है। यूरोप के लोगों को 9-9 महीने बर्फ के चारों तरफ ही रहना पड़ता है, बिताना पड़ता है, तो शरीर के सारे जॉइंट्स उनके स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो बेचारे क्या करें, तो ज्यादा उठ बैठ नहीं सकते, तो हर चीज वो ऐसी बनाते हैं जिसमें ज्यादा उठ बैठ नहीं करनी पड़े। जैसे उन्होंने कुर्सी बनाई बैठने के लिए, तो कुर्सी में क्या है, आधा ही बैठना पड़ता है, पूरा नहीं बैठना पड़ता, नहीं तो आलती पालती मार के बैठने को बोल दो तो उनकी जान निकल जाती है। और उन्होंने बैठने के लिए जैसी कुर्सी बनाई है वैसी खाना खाने के लिए बनाई है, वैसी ही टॉयलेट में बनाई है कमोड सीट, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल घुटनों वाले नहीं है। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल करके अपने घर में भी डाइनिंग टेबल ले आया, और हम भी उसी कुर्सी मेज में बैठ के खाते हैं। वो तो बेचारे मजबूर हैं इसलिए कि घुटने उनके हिलते डुलते नहीं है,
इसलिए वो तो या तो खड़े खड़े खाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाते हैं, तो उन्होंने बुफे सिस्टम लाया अपने देश में, क्योंकि झुक ही नहीं सकते, स्टिफ इतना हो गया है, कमर भी कड़क है, घुटने भी कड़क है, झुके कैसे, बैठे कैसे, तो खड़े खड़े खाना खा लेते हैं या लेट जाते हैं। बैठना उनके जीवन में बहुत ही कम होता है, घुटने मोड़कर तो बिल्कुल असंभव जैसा होता है, और जो हम बैठ जाते हैं ना सुखासन में आलती पालती मार के, उसकी तो वो सालों साल एक्सरसाइज करें तब भी नहीं बैठ पाते। तो उन्होंने अपनी मजबूरी के चलते अपना टॉयलेट रूम बनाया जिसमें कमोड सीट लगाया, अपनी मजबूरी के चलते डाइनिंग टेबल बनाया जिसमें आधा ही बैठना पड़े, अपनी मजबूरी के चलते उन्होंने बुफे सिस्टम लाया क्योंकि खड़े होकर ही खा लें। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल कर लिया, और जिनके घुटने भी अच्छे हैं, कमर भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने अपने अपने घर के बाथरूम में कमोड लगा लिया। अब मैं पूछता हूं, भाई ये अंग्रेजी स्टाइल का कमोड आपने क्यों लगाया, कुछ सोचा है, समझा है इसके बारे में? क्योंकि वो तो बेचारे इसलिए लगाते हैं कि झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और एक समस्या और है कि जो लोग रोज पाव रोटी खाएंगे सड़े हुए मैदे की, उनका पेट कैसा होने वाला है जरा सोचो। कब्जियत है बहुत, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं होगा तो दो दो घंटे तक बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा उस टॉयलेट पॉट पे? तो दो घंटे बैठेंगे कैसे अगर हिंदुस्तानी तरीके से बैठने लगे? क्योंकि हिंदुस्तानी तरीके के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट आप बैठ सकते हैं, यूरोप में तो दो दो घंटे बैठना पड़ता है। मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया है, वहां जब मैं लोगों को देखता हूं सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं दो दो घंटे तक बाहर ही नहीं आते, बैठे रहते हैं। फिर उनको पूछो भाई क्यों नहीं आते, तो कहते हैं न्यूज पेपर पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते हो न्यूज पेपर? टट्टी साफ नहीं होती, संडास नहीं होती, पेट साफ नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी गाना भी गाते रहते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आई, वो आती नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और भारत में क्या है, भारत का खान पीन ऐसा है और सूर्य के प्रकाश से पाचन का तंत्र ऐसा है कि टॉयलेट रूम में 5 मिनट से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं। बहुत दिन बाद मुझे यह समझ में आया कि यूरोप के सभी बाथरूम और टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं। उनके यहां जो लाइब्रेरी होती है ना, वो ड्राइंग रूम में नहीं होती, बेडरूम में नहीं होती, टॉयलेट रूम में होती है, क्योंकि वहीं बैठना है दो दो घंटे तो कुछ टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। अब जरा आगे बढ़ता हूं, जिनको पेट साफ नहीं होता उनको क्या क्या होता है? दुनिया की 103 बीमारियां उन्हीं को होती है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत साफ नहीं है, तो बीमारियों का केंद्र आपके घर में ही है। और 90% बीमारियां आपको मालूम है कब्जियत से शुरू होती हैं, कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है। हमारे देश में सभी बड़े चिकित्सक और वैद्य कहते हैं कि जिनका पेट साफ नहीं हुआ उनको कुछ भी बीमारी आएगी संधिवात हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन तो रहने ही वाला है, मुंह में से भयंकर बदबू आएगी, दांत आपके खराब हो जाएंगे, सांस में इतनी तेज बदबू होगी कि पड़ोसी बैठ नहीं पाएगा आपके पास, रात को नींद नहीं आएगी, भूख समय से नहीं लगेगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी आती जाएगी, ऐसी 103 बीमारियां एक साथ आएगी। अब उनको चूंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत है तो ये सब बीमारियां उनको होती है, तो अब उसका इलाज क्या करते हैं वो? जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस की बदबू भयंकर होगी, अब उस सांस की बदबू को रोकने के लिए वो दिन भर टूथपेस्ट रगड़ते हैं, और टूथपेस्ट अकेले से सांस की बदबू नहीं रुकती है तो उसके बाद माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते रहते। यूरोप में एक माउथ फ्रेशनर दिखता है लिस्ट्रीन, बिना नागा माने बिना एक दिन छोड़े हुए दिन में 3-3, 4-4 बार वो लिस्ट्रीन का स्प्रे करते हैं बदबू को रोकने के लिए, पेट साफ नहीं कर पाते अपने, लिस्ट्रीन स्प्रे करते रहते। अब हम हिंदुस्तानी भी उनकी नकल करके लिस्ट्रीन अपने घर में ले आए और हमने स्प्रे करना शुरू कर दिया तो अपना ही सर्वनाश। दूसरा उनकी एक और समस्या है कि अगर पेट साफ नहीं होगा तो पसीने की भी बदबू बहुत आएगी, और पसीने में से बदबू आएगी तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो पता है क्या करते हैं? वो डिओडरेंट स्प्रे करते हैं, सेंट स्प्रे करते हैं, डिओडरेंट स्प्रे करते हैं, क्योंकि पसीने से बदबू आ रही है, लेकिन वो अंदर की जो कमी है वो दूर नहीं कर पा रहे।
अब हम उनकी नकल करके अपने घर में डिओडोरेंट स्प्रे करने लगे और उनकी नकल करके सेंट स्प्रे करने लगे तो हमको चर्म रोग जरूर हो जाएगा, स्किन डिसीज जरूर हो जाएगी। और आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं, जिनको पेट साफ नहीं होता उनके बाल बहुत कड़क होते हैं, ये आप अपने घर में भी देख लो कभी, अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ बाल आपके कड़क हो जाएंगे। जिनको पेट साफ नहीं होगा उनके बाल कड़क हैं, बाल कड़क हैं तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए शैम्पू लगाते रहते हैं, और शैम्पू से भी सॉफ्ट नहीं होता तो कंडीशनर उसमें अप्लाई करते रहते हैं। ये उनकी समस्या है, परेशानी है, कोई फैशन नहीं है। क्योंकि यूरोप के 99% लोगों को कब्जियत है, माताओं को, बहनों को, पुरुषों को, तो बाल इतने कड़े हैं छू के देखो तो कांटे जैसे लगते हैं। तो उन बालों को सॉफ्ट बनाना है तो कोई ना कोई कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा। कंडीशनर 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता तो हर 6 घंटे में कंडीशनर लगाते रहते। फिर उन्होंने एक नया कुछ ढूंढा है आजकल, वो ये कहते हैं कि ये कंडीशनर 6 घंटे काम करे और उसके आगे 6 घंटे कुछ और काम करे, तो क्रीम लगाते रहते हैं बालों में, हेयर क्रीम आती है ना, ताकि वो सॉफ्ट रहें। तेल नहीं लगाते क्योंकि तेल होता ही नहीं उन देशों में, लगाएं क्या, ना सरसों होती है, ना तिल होता है, ना मूंगफली होती है, ना कुछ और होता है, लेदे के एक ही चीज होती है सोयाबीन, सो उसका तेल अच्छा नहीं माना जाता। तो वो बिल क्रीम लगाएंगे या हेयर क्रीम लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, क्योंकि बाल बहुत ही कड़क हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी नकल अंधाधुंध करके अपने अपने बालों में थोप रहे हैं शैम्पू, हेयर कंडीशनर और पता नहीं क्या क्या, तो अंतिम परिणाम यह है कि बाल के गुच्छे टूट रहे हैं। बस कम से कम ऐसी हजारों माताएं बहने आती हैं जो कहती है राजीव भाई बाल टूटते हैं कुछ दवा बताओ, मैं कहता हूं शैम्पू और कंडीशनर बंद कर दो, तो वो तो बंद नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं माफ करो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हेयर कंडीशनर शैम्पू लगाते रहो बाल तोड़ने का तो वो कहानी है, फिर आप मेरी दवा खाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगी, उनकी त्वचा भी बहुत कड़क रहती है, रफ रहती है, और स्किन चूंकि रफ रहती है तो कोई ना कोई उनको कोल्ड क्रीम चाहिए जो स्किन को सॉफ्ट बनाए, तो इसलिए वो कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं। लेकिन वो भी थोड़े ही समय काम करती है, 6-8 घंटे से ज्यादा कोई कोल्ड क्रीम भी काम नहीं करती स्किन पे, तो हर 6-8 घंटे के बाद वो कोल्ड क्रीम पोतते रहते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहां आती है, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता उनके होंट बहुत कड़क रहते हैं, एकदम रफ सूखे सूखे, तो उस होठों की सुखावट को छुपाने के लिए लिपस्टिक लगाते रहते हैं। हम बिना सोचे समझे अपने देश में उसको अपने मुंह पे थोपते रहते हैं, पता नहीं कितनी लिपस्टिक तो हम खाने के साथ खा जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी बचा के खाएं वो तो जाने ही वाली है। तो देखिए एक अंध भक्ति या बिना सोचे समझे की गई नकल कितने तकलीफ का कारण बनती है इस देश में। अब वो जो कुछ भी करते हैं यूरोप और अमेरिका वाले, वो अपनी ठंड से बचाव के लिए करते हैं, जितना कर पाते हैं कर पाते हैं। अब उनके यहां ठंड बहुत है तो कपड़े भी ऐसे ही पहनने पड़ेंगे, टाई लगानी पड़ेगी, 3-पीस सूट पहनना पड़ेगा, और आप देखेंगे ना महिलाएं वो ऊपर तक के स्लीव्स पहनती हैं, मोजे पहनती हैं, क्योंकि उनको ठंड से बचना है। अब हम भी उनकी नकल करके भारत में पहनना शुरू करते हैं। आजकल ये नकल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में बहुत शुरू हुई है। हर चीज में बिना सोचे समझे हम उनकी नकल करें, और अब ये नकल इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि ठंड वाले देशों की मजबूरियों को हमने प्रतिष्ठा का तंत्र बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया। हमारे घर में पिज्जा आ रहा है तो स्टेटस सिंबल है, बर्गर खा रहे हैं तो स्टेटस सिंबल है, चाउमीन खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है, नूडल्स खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है। और कई घरों में तो ये नियम बन गया है कि संडे को तो ये होना ही चाहिए, संडे को माने चाउमीन तो आनी ही चाहिए, बर्गर तो आना ही चाहिए, पिज्जा तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, और ये घर में नहीं आ सकता तो होटल में जाके खाना चाहिए। अब उनकी मजबूरियों को हमने जो स्टेटस सिंबल बनाया तो और तकलीफ कर रहा है। तो हमारी सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, वो ये आधी अधूरी समझ से विदेशियों की गई नकल जो हमें सफल नहीं होने देती।
कॉस्मेटिक्स वो सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको स्किन बचा के रखनी है। एक तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन के कारण रफनेस है, दूसरी बाहर की ठंड है, बर्फ है, और उस बर्फ के कारण और ज्यादा रफनेस है, तो दोनों मिलाकर उनके यहां तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए बार बार कुछ लोशन लगाना, बार बार कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करना, सौंदर्य प्रसाधन, वो उनकी मजबूरी। और एक तो छोटी बातें बता दूं आपको, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम की है। यूरोप के देशों में मैंने जितनी बार प्रवास किया वहां के लोगों को देखा कि चूंकि ठंड बहुत है ना, तो ये जो भौहों के बाल होते हैं ना, ये नहीं उगते, तो इसलिए वो लाइनर का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए, नकली, असली तो है नहीं। तो ब्यूटी पार्लर में जा जाके वो बनवा बनवा के लाते हैं, काले पीले वो रंग से रंगते रहते हैं, क्योंकि असली बाल आते ही नहीं है, ठंड बहुत है। अब हमने भी वही तमाशा शुरू कर दिया अपने अपने घर में, बाकायदा दो दो तीन तीन घंटे का समय निकालकर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं इसको बनवाने के लिए। कितना भी रुपया खर्च हो हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो मैं एक ही निवेदन सबसे करता हूं, वो ये कि अगर नकल ही करनी है तो समझ के करो, कुछ अकल के साथ करो। बिना अकल के नकल किया तो खड्डे में ही जाने वाले हैं। बीमारियां इसी तरह से आ रही हैं। हमने यूरोप और अमेरिका की बिना सोचे समझे जो नकल किया अपने जीवन में, कुछ तो हमारी मजबूरी थी कि हम 250-300 साल उनके गुलाम रहे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब उनकी गुलामी चल रही थी तब भारत के लोग इतने मजबूर नहीं थे अंग्रेजों की नकल करने के लिए। वो चले गए 15 अगस्त 47 को, उसके बाद जो अंग्रेजियत बढ़ी है उसने तो तबाह कर दिया इस देश। अब वहां कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना स्किन बहुत हार्ड है, तो स्किन हार्ड है तो बिना साबुन के नहाना संभव ही नहीं है उनको, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ना हार्ड स्किन के लिए ही है। केमिस्ट्री में ये जो कास्टिक सोडा बनता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उन्हीं त्वचा के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं पर ये लगाया जा सकता है जो बहुत कड़क त्वचा हो। और हमारे भारत में इतनी सॉफ्ट है स्किन क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको है, हम रगड़ रगड़ के कास्टिक सोडा के साबुन से नहा रहे हैं, फिर त्वचा सूखी हो रही है तो फिर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, स्किन रफ हो रही है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गई, इचियोसिस हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, वो तो होने वाला है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन के लिए साबुन बना नहीं है, साबुन बना है हार्ड स्किन के लिए। हमारे यहां तो वही चीजें हैं अच्छी नहाने के लिए जो सॉफ्ट स्किन पे एप्लीकेबल हो, जैसे दूध का स्नान। इसलिए हमारे यहां कहावत है दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी सुना है किसी से लक्स नहाओ पूतो फलो? कोई कहता पियर्स से नहाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्योंकि दूध जो है ना वो सॉफ्ट स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। आपकी त्वचा जितनी नरम है उतनी ही नरम वो रखेगा, थोड़ा ज्यादा ही कर देगा, कम नहीं होने देगा। इसलिए शंकर भगवान दूध से नहाते, महाशिवरात्रि को सब उन्हें दूध ही लगाते हैं, किसी को नहीं देखा कि वो साबुन से शंकर जी को नहलाता हो। अब कैसे मूर्ख लोग हैं, हम शंकर जी को तो दूध से नहलाएंगे और खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाएंगे। और पागलों के पागल कहते हैं जी हम दूध के साबुन से नहाते हैं। अभी दूध से क्यों नहीं नहा लेते अगर दूध के साबुन से नहा रहे हो तो? कहते हैं जी हम तो हल्दी वाली क्रीम लगाते हैं, हल्दी क्यों नहीं लगा लेते? वो हल्दी वाली क्रीम आती है 1500 रुपए किलो और हल्दी आती है 40 रुपए किलो, तो कहो कि हल्दी लगा लो, क्या बात कर रहे हैं, 40 रुपए किलो की चीज, हम तो 1600 रुपए किलो की लगाएंगे। उनसे कहो जी दूध से नहा लो 15 रुपए लीटर का है, नहीं नहीं हम तो साबुन लाएंगे दूध का 350 रुपए किलो वाला। हमारा जो दिमाग है ना घूम गया है, और ये घूमने का कारण है बिना सोचे समझे नकल करना। और ये नकल करवाने में सबसे बड़ा भूमिका हिंदुस्तान में किसी ने निभाई तो सिनेमा ने और टीवी सीरियल्स, सत्यानाश कर दिया इस देश का। टीवी सीरियल में जो भी जानकारी यूरोप की देते हैं आधी अधूरी, पूरी जानकारी कभी नहीं देते।
क्योंकि पूरी जानकारी समझने के लिए उनके पास भी फुर्सत नहीं। और सिनेमा बनाने वाले यूरोप में जाके थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग कर लाते हैं, तो उसी को देख देख के हमारा मन ललचाता रहता, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बहुत सारी हीरो हीरोइनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप कॉस्मेटिक्स क्या क्या इस्तेमाल करती है। वो तो कॉस्मेटिक्स इसलिए इस्तेमाल करती है कि दिन में 6-6 घंटे भयंकर फ्लड लाइट्स में उनको रहना पड़ता है। अगर वो कॉस्मेटिक्स ना लगाएं तो उनकी तो त्वचा जल जाए। फिर उन्हीं के मूर्खतापूर्ण टिप्स ले लेके हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें कोई फ्लड लाइट्स में रहना नहीं पड़ता। भाई हेमा मालिनी ऐसा करती है तो हम भी कर रहे हैं, ऐश्वर्या रॉय ये लगाती है तो हम भी लगा रहे हैं। ऐश्वर्या रॉय हेमा मालिनी 6-8 घंटे भयंकर लाइट में रहती है, त्वचा को बचाने के लिए ये सब करती है, हम तो नहीं रहते, फिर हम क्यों करें। तो ये सब घालमेल हो गया, खिचड़ी हो गया। खिचड़ी ऐसा हो गया कि हमारा दिमाग ना तो हमारा रह गया ना उनका बन पाया, आधे हम अपने हैं आधे उनके हैं, तो फंस गया इसमें सारा चक्कर। और ये आधा अधूरापन रोज दिखाई देता है जिंदगी में। पति महोदय है वो 3-piece सूट और टाई लगा के जा रहे हैं और पत्नी उनकी सलवार सूट में जा रही है या साड़ी में जा रही है। साड़ी शुद्ध हिंदुस्तानी पहनावा है, 3-piece सूट और टाई अंग्रेजी पहनावा है। वहां इसलिए 3-piece सूट और टाई पहनते हैं कि ठंड बहुत है, और ठंड है तो सर्दियों में नाक बहुत बहती रहती है। तो पहले वो बेचारे क्या करते थे, जेब से रूमाल निकाल के हमेशा पोंछते रहते थे, फिर उन्होंने सोचा एक टाई लटका के रखो, जब जरूरत पड़े तो पोंछ लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने यहां टाई लाई है। अब हमारे यहां मूर्खों के मूर्ख जून की गर्मी में 50 डिग्री तापमान हो तो 3-piece सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के शादी करने जाते हैं। और मैं कहता हूं भाई सुपर इडियट बनने के लिए यही एक दिन मिला है तुम्हें, तो कहते राजीव भाई आज तो करने दो, माने शादी के दिन ही इडियट बन के जाओ। और मुझे समझ में नहीं आता कि पति 3-piece सूट और टाई पहने और पत्नी साड़ी पहने। हम कहते हैं कि गृहस्थी के पहिए हैं पति और पत्नी, एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी गृहस्थी। या तो ये करिए कि यूरोप में सभी महिलाएं स्कर्ट्स पहनती हैं, तो आप चालू करिए, अगर 3-piece सूट और टाई का मैच है तो वो स्कर्ट के साथ है, साड़ी के साथ तो नहीं। तो हम तो स्कर्ट पहन नहीं सकते, फिर पतियों को क्यों पहनने देती आप 3-piece सूट और टाई। और कोई नहीं, बच्चों को और नकल करवा रहे हैं, बेचारे 3-3 साल के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खूब टाइट टाई उसकी बांध देते हैं। सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि टाई को अगर बांध दिया तो पीछे की जो नसें खून को लेके जाती है ना मस्तिष्क में, ये दबने लगती है, खून का प्रवाह रुकने लगता है। पर्याप्त मात्रा में खून बच्चे के दिमाग को ना मिले तो आंखें कमजोर होती हैं, दिमाग भी कमजोर होता है। इसलिए सब ऊंचे वैज्ञानिक और दुनिया के करोड़पति लोगों ने टाई वाई बंद कर दिया। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही शुरू कर दिया। फिर हम बहाने बहुत बनाते हैं, अरे क्या करें जी उनके स्कूल में ड्रेस है, तो जाके लड़िए ना स्कूल वालों से, आप पैसा देते हैं आपके पैसे से स्कूल चलता है। और वो मूर्खता करें और आप उनको समझा भी नहीं सकते कि हमको जरूरत नहीं है ये टाई और पैंट की और सूट की। तो ऐसी छोटी 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 बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जो घुस गई, इन्होंने हमको अस्वस्थ बनाया। हर तरह की बीमारी हमारे जीवन में आने लगी और बीमारियां हर दिन बढ़ती जा रही, और बढ़ते बढ़ते ये संख्या हो गई है। कई बार तो मैं परेशान हो जाता हूं कि एक मरीज आया उसके शरीर में 50 बीमारियां हैं, कौन सी पहले ठीक करो। तो मैं ढूंढता हूं कि इसकी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, उसको ठीक करो तो बाकी आसानी से ठीक हो जाए। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं, ये पेशेंट को मैं नहीं कहता, 99% जो क्रॉनिक पेशेंट है उनकी अंतिम बीमारी निकलती है पेट की कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और जब भी मैं उनको कोई ऐसी दवा देता हूं जो उनकी कब्जियत को ठीक कर दे तो उनकी ज्यादातर बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे मरीजों को मैं संधिवात ठीक करता हूं, लेकिन कभी नहीं बताता कि संधिवात की दवा नहीं दे रहा हूं, पेट साफ करने की दवा है। क्योंकि जैसे ही पेट साफ होने लगता है घुटनों का दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे ही पेट साफ होने लगता है माइग्रेन अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे ही पेट साफ होने लगता है नींद बहुत अच्छी आने लगती है, जैसे ही पेट साफ होने लगता है शरीर के जॉइंट्स पेन सब निकल जाते हैं। और अब गंभीरता से मैं सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमने यूरोप और अमेरिका की नकल करके जो अपने घर में ले आया खान पान, इसने हमको फंसा दिया। अब कैसा फंसा दिया, अब भारत की बात करता हूं थोड़ी।
भारत में ये जो आयुर्वेद है ना, ये सबसे बड़ा चिकित्सा शास्त्र है। लेकिन इस चिकित्सा शास्त्र में कई अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं, छोटी छोटी कुछ बड़ी बड़ी। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। उसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं कुछ वैज्ञानिक, अष्टांग संग्रह। इसमें 2000 से ज्यादा सूत्र है। मुझे आयुर्वेद की जितनी पुस्तकों का अभ्यास करने का मौका मिला, उनमें मेरे हिसाब से ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यही वो पुस्तक है जो बताती है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बीमारी मत पड़ो। तो उसमें स्वस्थ रहने के कुछ नियम हैं और बीमार पड़ने के कुछ कारण हैं। अब आपको अगर मैं कहूं तो आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। इस अष्टांग हृदय में या अष्टांग संग्रह में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये है कि वो ऐसा खाना खाते हैं जिनको सूर्य प्रकाश नहीं मिला या पवन का स्पर्श नहीं हुआ। और अष्टांग हृदय कहता है कि जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश का स्पर्श किए बिना और पवन का स्पर्श किए बिना खाना खाएंगे, माने जिस खाने को सूर्य प्रकाश नहीं मिला, जिस खाने को हवा ने नहीं छुआ, ऐसा खाना खाएंगे तो बीमारियों का घर तो शरीर होने ही वाला है। और ऐसी चीज क्या है हमारे घर में? रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज में भर के खाना रख दो, ना उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, ना पवन का स्पर्श होगा, और वो खाना अष्टांग हृदय के हिसाब से जहर है। अष्टांग हृदय में तो ये तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश के बिना और पवन स्पर्श के बिना खाना खाता है, उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है और जहर खाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही जहर खा रहा है, थोड़े दिन में वो जाने ही वाला है इस दुनिया से। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि खाने को बना के फ्रिज में रखना उसका सर्वनाश करने के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में फ्रिज है। आजकल तो मैं बिना फ्रिज का घर देखूं तो हैरानी होती। हाँ, और घरों में कंपटीशन है कि पड़ोसी के आए तो हमारे यहां क्यों नहीं, वो कुएं में गिर रहा है तो हम क्यों नहीं गिरे, वो जहर खा रहा है तो हम क्यों नहीं खाएं। सारा देश इसी में मर गया, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? पढ़े लिखे लोगों में ये बहुत है। तो फ्रिज आ गया घर में, अब आ गया तो इसका कुछ तो उपयोग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सब्जियां खरीद खरीद के लाते हैं और भर भर के उसमें रख देते हैं। और अभी एक और सुपर इडियोसिटी करना शुरू किया है कि सब्जियों को पॉलीथिन में भर भर के फ्रिज में रख देते हैं। ये पॉलीथिन फ्रिज से भी ज्यादा खराब है। अब होता क्या है, सब्जियों के बारे में आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि पेड़ से टूटने के 48 मिनट के बाद उसको पका के खा लीजिए। यह नियम है आयुर्वेद का, पेड़ से टूटने के 45-48 मिनट के बाद, मान लो एक घंटे के बाद आप उसको पका के खा लीजिए, तब तो है ठीक। और जो आपने सवेरे की सब्जी शाम को खाई, शाम की अगले सवेरे को खाई और दो दो दिन रख के खाई, तो वो जहर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्जियां यहां ताजी मिलती हैं भीलवाड़ा, हाँ सवेरे भी शाम को भी, मैं देखता हूं झोला भर भर के 3-4 दिन की इकट्ठी ले आते, 8-8 दिन की ले आते और फ्रिज में भर के पॉलीथिन में पैक करके और रख देते हैं। तो डबल जहर। धनिया लाते हैं पॉलीथिन में पैक करके फ्रिज में रख दिया, पुदीना लाया पॉलीथिन में पैक करके रख दिया, भिंडी लाई पॉलीथिन में पैक करके रख दिया, क्या तर्क है उसके पीछे कि इनमें नमी बनी रहती है। आपको मालूम नहीं फ्रिज में से 12 खतरनाक जहरीली गैस निकलती है जिनको CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनसे सारी दुनिया परेशान है। उन जहरों से मिली हुई सब्जियों को फिर आप खा रहे हैं, फिर कितना भी उबालिए उसका असर नहीं जाता। धीरे धीरे ये टॉक्सिक वेस्ट आपके शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। 5-7 साल में आपके घुटने दुखना, पैर की एड़िया दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, फिर माइग्रेन होना, फिर नींद नहीं आना, फिर ऐसा होना, फिर वैसा होना, ये शुरू ही शुरू रहता है। और मैं किसी को समझाऊं कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये फ्रिज निकाल दो घर में, है क्या बात कर रहे हैं राजू भाई, वो 5000 का फ्रिज रख के 50000 खर्च करेंगे दवा पे, लेकिन उसको 5000 के फ्रिज को निकाल के फेंकेंगे नहीं, क्योंकि स्टेटस सिंबल है जी। और अब तो एक और खतरनाक काम शुरू हुआ है कि उसमें पानी भर भर के और रख देते, वो पीते और दूसरों को भी पिलाते। ये यूरोप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, चिल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पीते, परिणाम पता, वो सवेरे 2-2 घंटे टॉयलेट में बैठे रहते।
और उनका ठंडा पानी तो मजबूरी है क्योंकि बर्फ गिर रही है तो पानी ठंडा होने वाला है। हमारी क्या मजबूरी है, कोई नहीं, हम तो ठंडा बना बना के पी रहे। कई घरों में माताओं को मैंने देखा है आटा गूंद के फ्रिज में भर के रख देते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन, सवेरे अगले दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन, ये चक्कर चलता है। और आटे के बारे में भी आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आटे को गूंद लिया है तो 30 मिनट के अंदर उसे खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो कीटाणु बनना, जीवाणु बनना शुरू हो जाता है उसमें। आप जैन दर्शन मानते हैं और रोज करोड़ों जीवों की हत्याएं करते उसी आटे के चक्कर। वो आटा शरीर के तो काम का है ही नहीं, धर्म के भी विरुद्ध है। अब रोज जीव हत्या करते हैं, पाप चढ़ता रहता है, फिर उसको उतारने के लिए सामयिक और प्रतिक्रमण करने बैठ जाते हैं, फिर एक दिन पाप की गठरी बढ़ाते हैं, फिर सामयिक कर लेते हैं, फिर पाप की, ये तो चक्कर चलने ही वाला है। तो अगर अष्टांग हृदय के इस सूत्र को आप माने और समझे, अष्टांग हृदय कहता है कि जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश ने स्पर्श नहीं किया हो और पवन ना मिला हो उसको कभी मत खाइए, वो जहर है। तो आप कोशिश करिए, अपने घर का फ्रिज निकाल दीजिए, मैं आपसे अभी बोलता हूं 50% बीमारियां फ्रिज के साथ निकल जाएंगी। दूसरी हमसे क्या गलती हो रही है, हमने अपने घर का नाश्ता ऐसा बनाया जो यूरोप और अमेरिका में मजबूरी में खाया जाता। मैंने कहा ना पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, अब हमने घर में शौक से लाना शुरू किया। ज्यादातर घरों में ब्रेड पकौड़े नाश्ते में मैं देखता हूं, या ब्रेड का कोई ना कोई प्रिपरेशन नाश्ते में मिलता है। पूछो, कहते हैं बहुत इजी है। इजी तो इडली भी है, सांभर भी है, उत्तपम भी है, रसम भी है, डोसा भी है, और हलवा से ज्यादा इजी कोई चीज नहीं। सबसे सुरक्षित, सबसे पौष्टिक हलवा के बारे में आप जानते हैं? मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो ऑपरेशन करा के आया हो अभी घंटे भर पहले, मैं उसको कह सकता हूं कि घी का हलवा खा लो, इतना सुरक्षित है। उस पेशेंट को रोटी नहीं खिलाई जा सकती, दाल नहीं खिलाई जा सकती, चावल नहीं खिलाया जा सकता, कम से कम 15 दिन। लेकिन मैं उसको ये जरूर कह देता हूं कि ऑपरेशन खत्म होते ही, जैसे ही होश आए, हलवा बना के खिला देना, देशी गाय के घी का, क्योंकि वो हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो हलवा से ज्यादा तो कोई भी हमारे पास डिश नहीं है जो 5 मिनट में बन सके, लेकिन वो हलवा गायब हो रहा है धीरे धीरे। पाव रोटी आ गई, डबल रोटी आ गई, बिस्किट आ गया, घर में नूडल्स आ गए, और सवेरे के नाश्ते में ये जरूर है। और आयुर्वेद कहता है कि सवेरे का नाश्ता ही सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसी में भरपेट हम पाव रोटी, डबल रोटी खिला रहे। कभी कभी बच्चों का बहाना बना देते हैं, जी खाते नहीं, वो आपने खिलाने की आदत नहीं डाली तो वो खाएंगे क्यों। यहां से ही हमारी जिंदगी की गड़बड़ी शुरू हो रही है। और ये सड़े मैदे की पाव रोटी, डबल रोटी आप जितनी खाएंगे कब्जियत उतनी ही बढ़ेगी, कब्जियत बढ़ेगी तो शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली है। 103 बीमारियां होती हैं, ये ध्यान रखिए। आज मेरे पास सुविधा नहीं है, अगर LCD प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको यहां दिखाता। LCD है, LCD प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखाता कि जब आप ये खाते हैं ना, मैंने इसमें बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाई हुई कि जैसे ही पाव रोटी खाते हैं तो अंदर क्या होता है पेट में जाने, डबल रोटी खाने के बाद क्या होता है, बिस्किट खाने के बाद क्या होता है, चाउमीन और नूडल्स खाने के बाद पेट में क्या होता है, कैसे कैसे वो कहां कहां चिपकता है, कितने एरिया को वो कवर करता है, और फिर कैसे आपको कॉन्स्टिपेशन बनाता है, और उसका बनाने का जो तरीका कोई देख ले तो उसको घृणा हो जाए, इतने खराब तरीके से बनता है। तो मेरी आपको छोटी सी विनती है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अष्टांग हृदय के दिए हुए सूत्रों का पालन करें। उनमें पहला सूत्र मैंने बताया, फ्रिज में रखा हुआ कुछ ना खाएं ना कुछ पिए। फिर आप बोलेंगे जी कि क्या खाएं क्या पिए, जो चीज फ्रिज में नहीं रखी हो और जिसको पवन स्पर्श भरपूर हुआ हो और जिसको सूर्य का प्रकाश भी मिल गया हो उसको खाइए। माने हर चीज ताजा बना के खाइए, फ्रिज में रखी हुई मत खाइए। फ्रिज में दूध रखना भी बंद कर दीजिए, दही भी मत रखिए, इनको बाहर ही रखिए ना, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य अपने आप आता चला जाए। दूसरा एक नियम है, आयुर्वेद का नियम है, अष्टांग हृदय का भी वो नियम है, और सभी ऋषि ऐसा बोल कर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए।
पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, दूसरा ये नियम है। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठंडी है, तो ये जो जबड़े हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं वो। हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हमको तो चबा चबा के खाना है। और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकले। तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए, फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास, और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए, तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। और आप तो अगर जैन दर्शन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसमें जीव वृद्धि होती है। तो ताजा पानी बना के पीते रहे, ताजा पानी बना के माने हर समय हल्का गुनगुना करके पीते रहे। चौथा नियम यह है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, कि खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, यूरोप में नहीं है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं आपके। एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे। तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30, 28 है तो 28, खूब चबा के खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घुट घुट पानी पियेंगे तो बहुत लार जाएगी, गट 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 पियेंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी जॉइंट्स पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो सिप करके पानी पीजिए। और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लौटा है, उसका 140 किलो वजन हो गया था, तो उसको अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया, क्योंकि वहां नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को, वहां जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, निकाल दिया। और उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते, 140 किलो का। अब वो बेचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वजन कम हो जाए किसी तरह से, नहीं हुआ। अब आ गया भारत, एक दिन तो वो जॉन हॉपकिंस में चला गया, तो वहां बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल चीर देंगे, वजन कम हो जाएगा, मांस काट के निकाल देंगे। अब वो कहे अरे मुझे तो ये नहीं कराना, वापस आ गया, बेंगलोर में रहता है। एक दिन कहने लगा राजीव भाई आप कुछ बताओ, मैंने कहा कुछ मत करो, पानी गुनगुना पियो और सिप करके पियो। अभी 9 महीने से वो ऐसे ही कर रहा है, अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के।
खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार है। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा है कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? कभी नहीं होता। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन हमारे हैं वही ऑर्गन उसके हैं। बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता रहता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिए, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं। जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी। लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ गटागट गटागट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते रहता है। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वायु, मैंने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए, पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर है। चाय से शुरुआत करने वालों को 1 नहीं 68 बीमारियां होंगी, 68। और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की, तो उनको बीमारी ही नहीं। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए, कम से कम 1 गिलास तो पी लीजिए, उठते ही पी लीजिए। 2 गिलास पिए और अच्छा है, 3 गिलास पिए तो सबसे अच्छा है। पानी पीते ही क्या होता है, इंटेस्टाइन साफ हो जाती है, दोनों बड़ी और छोटी आंत दोनों साफ होती है। और दोनों आंत अगर साफ है रोज तो आप चिंता मत करिए, जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊंगा। और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। मैं बस इतना ही है, यूरोप की नकल नहीं करता किसी का, अमेरिका की नकल नहीं करता। वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, ये मैं कभी नहीं करता। पहले मैं बहुत सोचता हूं कि ये करना है नहीं करना है, अपने लिए काम का है नहीं काम का है, ये सब सोच विचार के अगर जीवन में आप फैसले लेना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे। बहुत लोगों को छोटी छोटी ये बातें हैं, आप बताएं, आप स्वयं करें, आप स्वस्थ हो जाएं, परिवार स्वस्थ हो जाए, जीवन आपका सुखी हो जाए। मानसिक बीमारियां अगर आपको हैं या जिंदगी भर उनसे बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद का एक छोटा नियम पालन करते रहिए कि रात को जब सोएं तो सूर्य की दिशा में सिर रखिए, पूर्व दिशा में सिर करके सोइए, और कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो दक्षिण दिशा में कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम को हमेशा छोड़िए। सोने के लिए नहीं है ये, उत्तर और पश्चिम की दिशा पूजा करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए है, सोने के लिए तो पूर्व और दक्षिण। जितने दिन आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते रहेंगे कभी भी आपको मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, और कम से कम नींद नहीं आने की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी छोटी सी बात है, हम कर सकते हैं, अपने घर के बेड की दिशा बदल दीजिए, आज ही चेंज कर लीजिए। अगर बेड आपका फिक्स है तो उसको आज चेंज कर लीजिए, नहीं तो जमीन पे सोए तो फ्लेक्सिबल है, जब चाहे दिशा बदल सकते हैं।
और दो तीन छोटी छोटी बातें हैं कि आप कभी भी खाना खाएं तो यूरोप और अमेरिका की नकल करके मत खाइए, जैसे कुर्सी मेज पे बैठ के स्टैंडिंग पोजीशन में। आप कहीं जाते हैं शादी ब्याह बारात में, बफे सिस्टम है, तो पागल मत बनिए आप। अपना खाना थाली में निकालिए, कहीं आराम से कोने में बैठ के खाइए उसको। इसमें कोई हम छोटे होने वाले नहीं। हमको ये शर्म आती है कि सब खड़े होके खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम उनको मूर्ख। मूर्ख तो वो है, आप कम से कम उन मूर्खों में इंटेलिजेंट रहिए। और कोई पूछेगा जी क्यों बैठ के खा रहे हो, तो उनसे कहो कि मेरे घुटने अभी काम करते हैं, कमर भी काम करती है, दोनों फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं। जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्र सकते हैं। जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्रासन करके टहलने को जरूर जाएं, कम से कम 500-700 कदम चलें, 1000 कदम चलेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मुश्किल से 10-12 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यही जिंदगी भर आपको निरोगी बना देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो कुल सूत्र 2000 से ज्यादा है, मैंने आपको 10-12 बताए हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊं तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। सरल सरल सूत्र हैं, इनको आज से शुरू करिए। और मेरी आप सबको विनती है कि अपने बच्चों को तो इनका संस्कार दे दीजिए अभी से, उनको आदत डाल दीजिए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। फिर वो कहेंगे गले में खाना फंस गया तो कहो लस्सी पी लो, दूध पी लो, पानी मत पियो। दोपहर का भोजन है तो लस्सी पिला दो, शाम का भोजन है दूध पिला दो, पानी मत पिलाओ, पानी 1 घंटे बाद ही पिलाओ। पानी हमेशा सिप करके पीने की आदत डाल दो उनको, जिंदगी भर पड़ी रहेगी। सवेरे उठते ही पानी पीने की आदत डाल दो, हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दो। उनको जो संस्कार मिल गया तो वो फिर भूलने वाले नहीं है, और वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और ये तो कुछ है स्वस्थ रहने के सूत्र। जो गलती से बीमारी आ गई अब क्या करें, तो एलोपैथी की दवा खाएं। एलोपैथी की दवाएं मैंने आपको बताया ठंडे देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए सभी दवाएं गर्म है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठंडे लोगों के रहने वाले देश के हिसाब से बनाई गई दवाएं हैं, इसलिए सभी दवाएं गर्म है। और गर्म देश में रहने वाले इन गर्म दवाओं को खाएं तो भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं उनके। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से भीलवाड़ा में देख रहा हूं, जिसने भी चिकनगुनिया के लिए एलोपैथी की दवा खाई है अभी तक ठीक नहीं हो रहा। अभी भी यहां कंधे दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, खाना निगल नहीं पा रहे हैं, ये पांव सूज रहा है, ये घुटना सूज रहा है। और जिन्होंने ये एलोपैथी की न खा के 3 दवाएं ही सिर्फ होम्योपैथी की खाई है, वो 2-2 दिन में ठीक होकर काम कर लग गए। यहीं से समझ लीजिए इस बात, एलोपैथी की हर दवा साइड इफेक्ट करती है। एलोपैथी में इस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन ओर्निश, उसने तो चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया है कि एलोपैथी में कोई दवा ही नहीं है, यहां तो सिर्फ जहर ही जहर है, खा के मरना चाहो तो मरो। वो खुद ही कहता, चिल्ला चिल्ला के कहता। और आजकल डीन ओर्निश पूरे अमरीका में घूम घूम के, वो आपको मालूम है MD है, MBBS MD है, और वो गांव गांव घूम रहा है अमेरिका में और शिविर लगाता है, और वो शिविर में यही सिखाता है दवा मत खाओ। और तो फिर क्या करो, यही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताता है, बस इतना ही अंतर है कि वो ये बताने का $500 लेता है पर पेशेंट, मैं आपको फोकट में बता के जा रहा हूं। यही बताता है पानी को गुनगुना करके पियो, पानी को सिप करके पियो, सवेरे उठ के पानी पियो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। डीन ओर्निश को एक बार मैंने ईमेल किया, भाई तुमको ये सब पता कैसे चला, क्या तुमने आयुर्वेद पढ़ा? उसने कहा नहीं, अमेरिका में एक भारत से संत आए थे स्वामी शिवानंद, उनसे उसने सीख लिया सब। शिवानंद जी का नाम आप सबने सुना, महान तपस्वी महान योगी।
वो बहुत दुनिया में घूमते रहे और सबको यही सिखाते रहे आयुर्वेद योग और प्राणायाम। तो स्वामी शिवानंद के बहुत व्याख्यान उसने सुने डीन ओरनेशन और सब नोट कर लिया उसने और वो चालू कर दिया। शिवानंद जी ने तो मुफ्त में सिखाया था, वो एक एक पेशेंट से $500 कमा रहा है, करोड़पति हो गया। और स्वामी शिवानंद ने ये जो नुस्खे दिए हैं वो उनके नहीं है, आयुर्वेद के हैं, हजारों साल पहले के हैं। और हजारों साल से अगर ये नुस्खे चले आए हैं तो कोई तो दम होगा, वरना 10-20 साल कोई चीज नहीं टिकती है दुनिया में। तो इनमें बड़ा दम है, इन्हीं का पालन आप करिए। मैं भी यही करता हूं इसलिए बीमार नहीं हूं, आप भी करेंगे आप भी स्वस्थ रहे। तो एक तो हिस्सा है स्वस्थ रहने का, दूसरा हिस्सा है जो गलती से बीमारी आ गई तो क्या करें। तो एलोपैथी की दवा तो बिल्कुल मत खाइए, कोई भी बीमारी आए चाहे कैंसर ही क्यों ना आए। मैं आपको पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो बीमारी का इलाज एलोपैथी से तो कभी नहीं करा, क्योंकि एलोपैथी में मरीज जो है ना कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मर जाता। कीमोथेरेपी होती है ना, आधा मर तो वैसे ही जाता है वो कीमोथेरेपी। इसलिए कभी भी किसी को कैंसर हो जाए एक तो घबराना नहीं और एलोपैथी के डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं। फिर आप पूछेंगे क्या करें, मैं आपको दवा बताता हूं। आपके घर में दवा है, कैंसर की सबसे अच्छी दवा है हल्दी। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा, अमेरिका की सरकार ने हल्दी पर 33 पेटेंट लिए हैं, 33 के 33 पेटेंट जो है ना एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के पेटेंट। हल्दी में कैंसर को ठीक करने की सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन हल्दी लेना कैसे है, हल्दी दो तरह से आती है, एक तो सूखी हल्दी है, एक तो आती है ताजा हल्दी अदरक जैसी, वो ही हल्दी कैंसर की दवा है ताजा हल्दी। ताजा हल्दी लेना, उसकी गांठ को पीसना, चटनी बनाना, चटनी बना के कपड़े में निचोड़ना तो रस निकल आए, वो रस पिलाना है जो भी मरीज को कैंसर है। हल्दी में क्या है, हल्दी में एंटी कैंसरस जो मेडिसिन है उसका नाम है करक्यूमिन। भगवान ने ये सबसे ज्यादा हल्दी में ही दी है और इस करक्यूमिन के कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है, वरना अगर ये करक्यूमिन ना हो हल्दी में तो रंग पीला नहीं होगा, वो अदरक जैसी ही रहेगी। तो ये करक्यूमिन नाम का केमिकल है जो एंटी कैंसरस है और इसी की प्रॉपर्टीज पे अमेरिका में पेटेंट है। तो आपके घर में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसको हल्दी का रस दो, सवेरे सवेरे खाली पेट दो, 2-3 चम्मच दे दो, शुद्ध अगर शहद मिलता हो तो उसमें मिला के दे दो, नहीं तो थोड़ा गुड़ मिला दो, नहीं तो खाली दे दो। और उसके साथ और एक चीज अगर दे सके हैं, देशी गाय का मूत्र, क्योंकि देशी गाय के मूत्र में भी वही प्रॉपर्टी है जो हल्दी में, उसमें भी गुणधर्म एक ही है। तो देशी गाय का मूत्र आधा कप और हल्दी का रस 2-3 चम्मच सुबह सुबह 1 घंटे के अंतर पर जो आपने दिया, आप देखना इतना अद्भुत परिणाम आता है। कई गले के कैंसर के मरीज मैंने सिर्फ यही दो दवा से ठीक किए, गले के कैंसर के, पेट के कैंसर के, बहुत आसानी से ठीक होते। और ये दोनों ही चीजें आसानी से हर जगह उपलब्ध है। बस इसमें सावधानी एक ही है कि देशी गाय का ही गोमूत्र लगता है, जर्सी का नहीं, विदेशी गाय का नहीं। और देशी गाय का मूत्र लेते समय ध्यान इतना रखना कि वो गाय गर्भवती ना हो, गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। माने गाय की बछड़ी का लेना कभी भी, आसानी से ठीक होने वाली बीमारी। कैंसर के ठीक होने में बहुत बार आसानी है, लेकिन इसका दुष्प्रचार इतना हुआ है कि सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और डरने और घबराने के बाद होता क्या है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेते हैं और सब वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कैंसर को ऑपरेट कर दिया तो कभी ठीक होता नहीं, पेशेंट भी जाता है पैसा भी जाता है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि शरीर में सभी गांठ कैंसर नहीं होती, आप ध्यान रखना इस बात का। हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो जाए तो तुरंत हमें शक होने लगता है कि जी कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कई बार आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, थोड़ी सी भी गांठ कहीं हो गई डॉक्टर कह देते हैं अरे ये तो ट्यूमर है, कैंसर हो सकता है, आप घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर कहता है इस गांठ को कटवा के निकलवा दो, अगर वो कटवा दिया तो जरूर कैंसर हो जाएगा। और आयुर्वेद ये दावे से कहता है कि जो गांठ शरीर में बनी है वो घुलती भी है,
आप उसका एंटी करो, जिस कारण से गांठ बनी है उसका उल्टा काम शुरू कर दो, वो घुल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, घर घर में वो आसानी से उपलब्ध है। कोई भी गांठ शरीर के किसी हिस्से में हो गई हो ना, तो सबसे अच्छी दवा है चूने का पानी। गांठ जो बनती है ना, कैल्शियम की कमी से बनती है, और चूने में भरपूर कैल्शियम है, सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है। माताओं बहनों में वक्षस्थल पर जितनी भी गांठें बनती हैं, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स, वो सब आसानी से डिसॉल्व होते हैं। चूने का पानी है, 2-3 चम्मच ले लो, दही में मिला के खाओ सवेरे सवेरे खाली पेट, बहुत आसान है। नहीं तो चूना ही खाओ। अब चूना खाने का तरीका क्या है, पान में चूना लगा के खा लो, दही में चूना मिला के खा लो, पानी में चूना मिला के पी लो, ये सब तरीके हैं। लेकिन करना है ये सब सवेरे सवेरे। आयुर्वेद की सभी दवाएं खाली पेट सबसे ज्यादा काम करती है। अब तीसरी बीमारी बताता हूं, डायबिटीज हो गई, बहुत हो रहा है आजकल गांव गांव। तो आप इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन बहुत खतरनाक है। इंसुलिन के बारे में सब डॉक्टर कहते हैं कि जो इसकी डिपेंडेंसी हो गई आपको, तो ये लेके ही जाएगी आपको दुनिया से, क्योंकि इंसुलिन बार बार लेने से किडनी खराब होती है, लीवर भी डैमेज होता है, और जो इंसुलिन लेने लगता है ना, उसको कुछ भी हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आप कभी भी ये इंसुलिन पे निर्भर मत करो डायबिटीज के किसी भी पेशेंट के लिए। फिर आप बोलेंगे क्या करें, आपके घर की दवाएं हैं जो आयुर्वेद से आई हैं, उनका उपयोग करो। सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना, सब घर में है। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको बोलो कि 2 चम्मच मेथी का दाना रात को पानी में डालें, सवेरे उठ के पानी को घूट घूट से पिएं और मेथी चबा के खाएं। बहुत सरल इलाज है, 3 महीने में आप देखोगे शुगर नॉर्मल रहेगी। लेकिन शुगर नॉर्मल हो जाए तो ये मतलब नहीं है कि मेथी का दाना छोड़ देना, आगे कभी भी ना हो भविष्य में थोड़े दिन खाते रहो। और जो और ज्यादा शुगर है मेथी के दाने से नहीं मिट रही है, तो एक छोटा काम करो कि मेथी का दाना खाया, उसके आधा पौना घंटे के बाद करेले का थोड़ा रस पी लो, आधा कप, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर इन दोनों से भी कब्जे में नहीं आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है शुगर, तो तीसरा और आखिरी उपाय करो, जामुन की गुठली का पाउडर बना लो, वो चम्मच भर के गर्म पानी से फंकी ले लो खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद। ये 3 एक साथ करो तो गारंटी से शुगर ठीक। बहुत आसान इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, ये सब चीजें घर में मौजूद है। जामुन तो सबसे सस्ता फल है, मौसम के समय में जामुन की गुठली खरीदो तो शायद 1 रुपए में 5-7 किलो या 10 किलो मिल जाएगी। सुखा के कूट पीस के पाउडर बना के रख लो। ऐसे ही अगर आपको जॉइंट्स पेन बहुत होता है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में, तो भी मेथी दाना अद्भुत काम करता है, क्योंकि वात से होने वाली कोई भी बीमारी में मेथी दाना अद्भुत काम करता है। और जॉइंट्स पेन सब वातज बीमारियां हैं, वात की होने वाली बीमारी, सब घर में मेथी दाना है। एक मेथी दाने को मैंने 48 बीमारियों में उपयोग करके देखा है, बराबर काम करता है, गंभीर से गंभीर बीमारी और आसान से आसान बीमारी में काम है मेथी दाने का। एक बहुत गंभीर बीमारी अक्सर माताओं बहनों को होती है, कोई माँ अगर गर्भावस्था में है तो बच्चा उत्पन्न होने के बाद उसका गर्भ अपने स्थान से खिसक जाता है, जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाता है। अब डॉक्टर के चक्कर में अगर आप फंसे तो वो तो क्या बोलता है कि ये तो अब खिसक गया अपने स्थान से, तो इसको काट के निकाल दो। अगर काट के ही निकालना था तो भगवान ने दिया क्यों, मूर्ख तो नहीं है भगवान, कम से कम डॉक्टर की तुलना में तो मूर्ख नहीं है। हर डॉक्टर के पास एक ही जवाब है, काट के निकाल दो, काट के। और जिस माँ का गर्भाशय कट गया उसकी जिंदगी कट जाएगी, फिर पूरी जिंदगी उसको पीठ दर्द होगा, पांव में दर्द होगा, घुटने दुखते रहेंगे, और इतना दर्द होगा किसी दवा से रुकेगा नहीं, फिर जब उसकी मृत्यु होगी तो दर्द ठीक होगा, इतना खराब है ये। तो आप कभी भी कोई डॉक्टर के ये बहकावे में नहीं आना, वो ये कहता है ना गर्भाशय काट के निकाल दो, तो कहो जयराम जी कि तुम तुम्हारे घर में बैठो, हम कहीं और जाएंगे, और आप घर में इलाज कर लो। जो भी माता या बहन का गर्भाशय थोड़ा भी अपने स्थान से हट गया है, उसकी सबसे अच्छी दवा है यही मेथी का दाना। इसके लड्डू बनाओ गुड़ और घी के साथ, और वो माँ को रोज लड्डू खिलाओ सवेरे शाम, आप देखना 20-25 दिन में अपने आप गर्भाशय अपने स्थान पे आ जाए, अद्भुत काम करता है ये मेथी।
नींद नहीं आती है। तो आपका ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसके नाखून के दोनों साइड में मेथी दाने बांध के पट्टी लगा लो, बहुत गहरी नींद में सो जाओगे। अंगूठे के नाखून जहां खत्म होते हैं उसके नजदीक मेथी दाना रखो और टेप लगा लो दोनों तरफ, और आप देखो कितनी गहरी नींद आती है। बहुत अद्भुत काम करता है। किसी बच्चे को कान में बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 मेथी दाने डाल दो, 5 मिनट ऐसे रखो तो दर्द बंद हो जाएगा, ऐसे कर दो मेथी दाना निकल जाए। मैंने बताया आपको 48 बीमारियों में प्रयोग किया मेथी दाना, कभी भी ये ना नहीं बोलता, रिजल्ट हमेशा देता है। और हमारा घर कोई ऐसा है नहीं जहां मेथी दाना मिले नहीं। अद्भुत है, आप इसको जरूर घर में रखो, भरपूर इस्तेमाल करो। और ऐसे ही बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, दालचीनी। मेथी दाने के बाद दूसरी सबसे अच्छी दवा जो मुझे नजर में आई है वो दालचीनी। एक दालचीनी से लगभग 43 रोग ठीक होते हैं, अकेली दालचीनी। दालचीनी तो आप जानते ही हैं, वो उसको पीस के पाउडर बना लो, तज कहते हैं शायद उसको, तज कहते हैं यहाँ, दालचीनी कहते हैं। हाँ, ये वही है ना सिनामोन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत है दालचीनी। हार्ट के पेशेंट को दे दो, इसका काढ़ा बना के बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू कर दो। ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो दालचीनी का काढ़ा पियो, थोड़ा गुड़ डाल के पियो। अगर आपको बहुत अच्छे पेट खराब रहते हैं, माने ज्यादा दिन पेट खराब रहता है, दालचीनी लेना शुरू करो। पेट के साथ ये संधिवात रहता है तो दालचीनी ले लो, कब्जियत रहती है तो, बहुत काम आती है दालचीनी। मोटापा बढ़ गया है तो दालचीनी का उपयोग कर लो, बहुत अच्छे है। ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है, माने खून की कमी है, तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पियो। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो, तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता सूखा धनिया। ऐसे ही आपके घर में एक बहुत अच्छी दवा है काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो अपना, पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद कर दो। आप या तो सेंधा नमक लाओ, नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने की। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो जिसने बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है। भले आप बोले या ना बोले, उसको ये हर्ट तो करने ही वाला है, तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं। तो ऊपर से नमक डाल के तो खाना बिल्कुल बंद कर दो। थाली में नमक रख के बैठना, नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय, माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खराब है। जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सकते हैं। नमक बदल दो, आपकी बहुत बीमारी चली जाएगी। और एक दो छोटी बातें बताता हूं कि आपके घर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज मान्यता दे दी है। वो उसमें से एक है तुलसी। अगर तुलसी आपके घर में है, श्याम तुलसी घर में है, जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है। इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी चिकनगुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी मैं देता हूं।
और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायतें हो रही है ना, अभी दर्द नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एक ही दिन तुलसी का काढ़ा पी लो तो सब चला जाए। तुलसी जो है ना एंटीपायरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कभी भी बुखार आ जाए तुलसी का काढ़ा कभी भी दो, भूलो ही मत। ज्यादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, नहीं तो सौंठ का पाउडर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो इसमें पीपर मिलाओ, छोटी पीपर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो नीम की गिलोय मिला लो या नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार खत्म होता है, लेकिन मेन है इसका तुलसी, बेस है तुलसी। होम्योपैथी में दवाएं तुलसी से बहुत हैं, आयुर्वेद में तो अद्भुत दवाएं हैं तुलसी की। इसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने घर में करिए, जैसे जैसे कर सकते हैं। आप में से कई लोग आश्चर्य करेंगे, मैंने स्किन डिसीज तुलसी से ठीक किए हैं। त्वचा के रोग, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, 20-20 साल पुरानी बीमारियां त्वचा की तुलसी के रस से ठीक होती, अद्भुत है तुलसी। आप रखो इसको घर में बराबर। और ऐसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, वो भी बने तो गमले में कर लो घर में। और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा, ग्वार पाठा जरूर रखो अपने घर में। ग्वार पाठे का रस अद्भुत काम करता है, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वार पाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर देता है, Within 3 seconds। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम करता है। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वार पाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर करता है। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वार पाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वार पाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं, 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वार पाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्भुत काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वार पाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं, 1-1 चम्मच ग्वार पाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वार पाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सिचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं। उनको बोलो कि ग्वार पाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। बहुत अच्छी दवा है, घर में है आप लगा सकते हैं, घर में भी हो सकता है, खेतों में भी हो सकता है। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है। कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी मां बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिला देते हैं। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशनखोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंढने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपसे कही, आप इनका पालन करें। एक तो हमारा आयुर्वेद का हिस्सा है, स्वस्थ कैसे रहें उसके कुछ सूत्र मैंने बताए। एक तो बीमारी आ गई तो अपने घर से उसका कैसा इलाज करें, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका रसोई से इलाज ना हो सके। और अगर बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी तो रसोई से 2-4 कदम ही आगे जाना पड़ेगा। कोई ना कोई वृक्ष, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई फल ऐसा है जो आपकी सब बीमारियों को ठीक करेगा। तो अगर आपको ये लगे तो आज से करो। और ये सब बातें पढ़नी है तो किताबें ले जाओ, इन पर कुछ CD भी बनाई है वो आप ले सकते हो, कॉपी करा करा के दूसरों को दे सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि अपने जीवन में आप करें, दूसरों को बताते जाएं, ये आपको अपने लिए भी काम आएगा, देश के लिए भी काम आएगा। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।